और अब आ रही है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 की प्रथम विजेता उत्तर प्रदेश की मुदिता मिश्रा। वरिष्ठ हैं, विशिष्ट हैं, विकास पुंज निष्ठ हैं, समग्र सृष्टि प्रष्टि के जगत गुरु वशिष्ठ हैं, ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मंचस्थ महानुभाव एवं यहां पर उपस्थित युवा शक्ति। मुदिता मिश्रा, उत्तर प्रदेश, वोकल फॉर लोकल विषय पर विचार अभिव्यक्ति हेतु उपस्थित हूं। मेरी मातृभूमि भारत, जो मानव सभ्यता के इतिहास की आरंभिक 3 सहस्राब्दियों अर्थात 3000 वर्षों के लगभग संपूर्ण कालखंड में विश्व भर की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्था रही, जिसकी सिंधु सभ्यता की समृद्धि का शोर मेसोपोटामिया और मिस्र ने सुना, जिसके उत्पादों व हस्तशिल्प का डंका पूरे रेशम मार्ग में बजता था और जिसके पश्चिमी तट समुद्री मार्गों के जरिए पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की धुरी बन गए, वही भारत आज फिर जाग उठा है। जाग उठा है सिंधु सभ्यता की भव्यता के साथ, विक्रमादित्य के विक्रम और चाणक्य के बुद्धि विवेक के साथ। जाग उठा है विश्व भर को हतप्रभ कर देने वाली चेतना और क्रांति के साथ। भारत जाग उठा है मेरे, आपके, हम सभी के भीतर। महोदय, हाल के कुछ दिनों में वोकल फॉर लोकल के महामंत्र के साथ जब हमने दीपावली के दिए पास के रमुआ के चाक से खरीदे, जब हमने लोकल सप्लाई चेन पर भरोसा दिखाया, जब हमने किसी बाहरी ब्रांड के वस्त्रों की जगह खादी के न्यू फैशन स्टाइल गारमेंट्स को वरीयता दी, तभी बड़ी तीव्र गति से देश का रथ बढ़ चला विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर। वस्तुतः प्रकृति ने भारतवर्ष को अनेकानेक संसाधनों और लाभांशों का उपहार दिया है, या स्थिति भारत के उत्पादों को एक बेहतर आधार प्रदान करती है। ऐसे में जब वोकल फॉर लोकल की चेतना के साथ हम 125 करोड़ लोग भारतीय उत्पादों के साथ खड़े हो गए हैं, तो अब एक सकारात्मक चक्र उत्पन्न होगा, जो विनिर्माण, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर सेक्टर तथा सर्विस सेक्टर उत्पादकों को टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट तथा स्टेट ऑफ द आर्ट से जोड़ेगा, और इस तरह भारत के उत्पाद गुणवत्ता की दृष्टि से उत्तरोत्तर प्रगति करते चले जाएंगे और विश्व में स्थापित होंगे नए कीर्तिमान। वह दिन दूर नहीं जब हमारे लोकल उत्पाद ग्लोबल होंगे। मित्रों, यहां तो सर्वविदित है कि एक कुशल नेतृत्व तथा सभी देशवासियों की चेतना ने वैश्विक परिदृश्य पर योग को आज एक अद्भुत स्थान पर स्थापित कर दिया है। आयुर्वेद व पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में भी पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। भारत में पारंपरिक स्वास्थ्य विज्ञान हेतु पर्यटन की अपार संभावनाएं सृजित हो चुकी हैं। ये परिणाम हमें प्रेरित करते हैं, तो क्यों ना हर भारतीय हमारे लोकल उत्पादों का ब्रांड एम्बेसडर बन जाए। चलिए हम मिलकर ब्रांडिंग करते हैं पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम और वाराणसी की गुलाबी मीनाकारी की। चलिए मिलकर वोकल होते हैं गुजरात के टांगलिया शॉल और गोवा के खाजे के लिए। चलिए अपने घरों को सजाते हैं बिहार की मधुबनी या अरुणाचल की तांखा पेंटिंग से। चलिए इस बार किसी एनआरआई फ्रेंड को गिफ्ट करते हैं तेलंगाना की पोचमपल्ली इकत साड़ी या ओडिशा के आदिवासियों की सरलता व सुंदरता से भरी कोटपाल हैंडलूम फैब्रिक। खरीदारी किसी मॉल में हो या ई कॉमर्स साइट्स पर, चलिए सबसे पहले देखते हैं मेड इन इंडिया का लेबल। चलिए बनाते हैं भारतवर्ष को एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति। अंत में वैचारिक पटाक्षेप करने से पूर्व आह्वान करना चाहती हूँ, यह पवन परम अनुकूल देख, यह देख भुजा का बल अथाह, तू चले बेड़ियां तोड़ कहीं, रोकेगा आकर कौन राह। डगमग धरणी पर दमित तेज, सागर पारे सा उठे डोल, उठ जाग समय अवशेष नहीं, भारत माँ के शार्दूल बोल। धन्यवाद, जय हिंद, जय मां भारती।